अभी मैं इनसे, इनके बड़े बेटे भरतराज शर्मा से पूछना चाहूँगा कि भरतराज जी, जबकि आप इधर इस कौड़ी गांव के रहने वाले हैं, निवासी हैं, तो बचपन से यहाँ पे रह रहे हैं, आपके पिताजी आपके दादाजी हैं कि निवासी थे, तो इस गांव में कई बार पंच और सरपंच बने होंगे, क्या उनके तरफ से कभी ये पहल हुई कि आपके परिवार को कुछ जीर्णोद्धार किया जा सके, आपके परिवार को आपके पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए कोई आर्थिक सहयोग मिल सके, या उनके तरफ से कुछ ऐसी कोशिश की गई ताकि आपको कुछ सुविधा मिल सके, कभी ऐसा हुआ है? सर, जब से पापा जी बीमार हुए थे 7 साल हो गए, हमारे पास कोई भी नहीं आया, ना किसी ने हमारी किसी दौर पे हेल्प की। तो जहाँ तक बात है आयुष्मान जो योजना है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री योजना, उसके लिए हमने कम से कम भी 4-5 बार मतलब अप्लाई किया। एक बार किया, बोल के बन गया, बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी, दोबारा किया, वापस री करके 3-4 बार किया, अभी तक वो आयुष्मान जो कार्ड है हमारा बन के नहीं आया। हमने कई बार मेंबर सरपंच से मुझे रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि क्यों नहीं आया, आखिर कहते हैं कि हॉस्पिटल में पता करो, ऑनलाइन पता करो, हमने ऑनलाइन भी पता किया, हॉस्पिटल में पता किया, अभी तक वो कार्ड हमें अवेलेबल नहीं हुआ, जिसके थ्रू इलाज वगैरह होता था। तो 6-7 साल हो गए, हमारा किसी ने कोई हाल नहीं पूछा, किसी ने अपने मतलब के लिए गधे को हर कोई मामा कहता है, हमारे पास कोई नहीं आया सर, किसी ने नहीं पूछा, वैसे चल रहा है धीरे धीरे करके परिवार, उम्मीदें सारी जुड़ी होती हैं, वोट देते हैं हम, उम्मीदें जुड़ी होती हैं, कुछ लोग हैं बीच में जिन्होंने हमारे साहस बढ़ाया मतलब, पर जो आर्थिक सामाजिक होती है सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिसको मतलब दूसरे कोई मतलब हेल्प करना, वो किसी ने नहीं किया। जैसा कि भरतराज शर्मा जी ने कहा, ये हुकुमचंद जी का परिवार को यहाँ के कोई पंच और सरपंच, जबकि जाहिर तौर पर ये लोग भी इधर कौड़ी के रहने वाले हैं, तो यहाँ कौड़ी में पंच और सरपंच अभी ने कई सालों से यहाँ पे हुआ करते थे और अभी भी हैं, और उनके तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की कि नहीं कोई पंच या सरपंच यहाँ व्यक्तिगत तौर पर आके इनके हालात पूछे, इनके वो किए। आज जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A जब यहाँ से उसका उसको हटाया गया, उसके बावजूद यही यहाँ के आम नागरिक को यही उम्मीद थी कि इसके बाद शायद हमारे माली हालात ठीक हो जाएंगे और हम लोग भी भारत के बाकी लोग ही तरह हम लोग भी जुड़ पाएंगे और उनके तरह हम भी जी पाएंगे, परंतु विडंबना और हालात यह है कि आज भी ये लोग अपने उसी हालात में जीने को मजबूर है। नहीं कोई यहाँ कोई पंच सरपंच पूछने आया, नहीं कोई यहाँ MLA पूछने आया, नहीं यहाँ का कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इनके हालात पूछने आया, हालांकि जबकि जैसा कि कहा कि ये हुकुमचंद जी पिछले 6-7 साल से इसी तरह पैरालिसिस के बीमार है और इनका चलने फिरने में असमर्थ हैं और इवन बोलने में भी असमर्थ हैं, तो जाहिर तौर पर यहाँ के पंच सरपंच के पास कई बार, एक बार नहीं यानी कि अनेक बार इनकी जो है प्रार्थना गई होगी और इनका जो मुद्दा वहाँ तक पहुँचा होगा, जबकि इनका इलाज पिछले 6-7 साल से चल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी, तो जाहिर तौर पर कई बार यहाँ के तहसीलदार से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न जो व्यक्ति के पास इनका पहुँचा होगा, परंतु हालात ये है कि कोई पूछने के लिए नहीं है। मैं आपको अभी दिखा दूँ, ये है हुकुमचंद जी का परिवार का, भी मैं इनका राशन कार्ड दिखा रहा हूँ, ये हुकुमचंद जी है, इनका राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड का डिटेल है आप देख पा रहे हैं, और साथ ही इनके जॉब कार्ड का भी रजिस्ट्रेशन है, जो भरतराज शर्मा जी ऑलरेडी डबल मास्टर डिग्री किए हुए हैं और जॉब कार्ड में इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फिर भी हालात ऐसे हैं कि आज तक इनको कोई जॉब नहीं मिल पाया है। तो कम से कम ये होता कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, पंच सरपंच की तरफ से और एज ए रूरल डेवलपमेंट की तरफ से और कहीं से और भारत सरकार की कई सारी योजना है, ऐसी योजना के अंतर्गत और इनको कोई एक अच्छी नौकरी मिल पाती ताकि परिवार का अच्छी तरह से कम गुजारा बसारा, और कुछ नहीं तो अपने पिताजी के मेडिसिन तो टाइम से खरीद सकते हैं, सुलभ और सही तरीके से खरीद सकते हैं, ये भी इनके पास नहीं कर सकते। तो यह है इनका जॉब कार्ड, और इसी तरह मैं आपको बता दूं इनका जो मेडिकल रिपोर्ट है, आप देख रहे हैं देख पा रहे हैं सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन जस्ट आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन इसमें आपको संबंध में तो कमी आएगा, ये सीटी स्कैन है। इसी तरह इनके कई सारे
और मेडिकल पेपर है, एक्सरे है, और आपको बता दूं अगर सारे कागजात को पेपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट में इनके खर्च जो इन्होंने पेपर इन्होंने संकलन करके रखे हैं, इन पेपर को अगर फाइल किया जाए तो मुझे लगता है कि 2 से 3 फाइल तैयार हो जाएंगे, तो सारा दिखाने में संभव भी नहीं है। तो मेन तरीका आप जो डॉक्यूमेंट्स है आप देख पा रहे हैं, ये है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो इनका इलाज किया गया था, और इसमें ये फ्रंट पेज है, और इसमें आप पूरा डिटेल इनको क्या हुआ था, किस तरह इनको एडमिट किया गया था, इसका डिटेल इसमें दर्ज है। ये देखिए, ये है, और ये पूरे बुक पूरी तरह भर चुका है, और इसी तरह कई सारे बुक है, और इसके बाद भी इन लोगों ने आरएसपुरा से मेडिकल वहाँ के डॉक्टर से ऑलरेडी कंसल्ट करके लोग मेडिसिन ले रहे हैं। जो हालात ऐसा है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज तो इनके हालात ऐसे हैं कि वो डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं कर सकते और मेडिसिन भी नहीं खरीद सकते। उसके पीछे केवल एक ही रीज़न है कि इनके फाइनेंशियल कंडीशन। तो अभी आप ये बताइए हुकुमचंद जी, बल्कि वो जैसा ये बोलने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, तो मैं उनके बड़े ज्येष्ठ पुत्र भरतराज शर्मा जी से पूछूंगा। तो भरतराज जी, आप ये बताएं कि अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़े दानी लोग या बड़े उसे इंडस्ट्रियस लोग और भारत सरकार के नुमाइंदे और मुलाजिमें जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं इस केस के साथ में, और इस YouTube के माध्यम द्वारा जो भी वीडियो हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस दर्द को इस मर्म को समझ सकते हैं, और आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं, उनसे क्या चाहते हैं आप बताइए। सर, मेरा सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये है कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करेंगे और बाद में वो उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से करेगा। तो मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया, और फर्क रहा मेरी किस्मत का और गरीबी का, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही, मैं आगे नहीं जा सका। मेरे में टैलेंट है, मैं संगीत को मतलब अच्छी तरह से गाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, कॉमेडियन हूँ, हर चीज़ को मतलब कर सकता हूँ मैं। वो मेरा प्रोफेशन मेरे बीच में फूट फूट के भरा हुआ है, उसको मैं कर सकता हूँ। बस मुझे फैमिली की वजह से जो है मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी फैमिली मेरे पापा जी पैर लेस चुका है, वो कुछ काम नहीं कर सकते, ज़मींदारी नहीं कर सकते, और पीछे परिवार, बहनें, जवान है, छोटा भाई है, माँ है, उनको मतलब सबके पीछे रीज़न हूँ मैं। आज अगर मैं कुछ बन जाऊँ, जितने भी लोग मुझे बात कर रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो सभी दर्द समझ सकते हैं कि हर आम नागरिक को जीने का हक जरूर होना चाहिए, और जब ऐसे हालात आते हैं तो इंसान को जीने का ख्वाब भी दूर नज़र आता है, मंजिलें टूट जाती हैं, सफर टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। इसी तरह मेरे सफर बीते हुए, पर मेरे बीच में वो टैलेंट है, मैं चाहता हूँ मैं किसी से भीख ना मांगूँ। मेरे बीच में जो टैलेंट है, मैं अपने टैलेंट को अपने माता पिता के लिए यूज़ करूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज जी रहा हूँ तो अपने माता पिता के लिए जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माता पिता के लिए जी रहा हूँ, कि मैं उनको कुछ करके दिखाऊं और उनका पालन पोषण कर सकूं। मैं उनके लिए जी रहा हूं, नहीं तो मुझे जीने की कोई आस नहीं है। एक तो लोग वतन के लिए जीते हैं, एक माता पिता वतन में ही आते हैं, तो मेरा वतन यही है। मैं इनके लिए जी रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, नहीं लोग मुझे अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, मेरे टैलेंट के थ्रू मुझे अगर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिलाएं जिससे मैं रोजी रोटी कमा के अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं और उनके सारे सपने, टूटे हुए बिखरे हुए सपनों को पूरा कर सकूं। जैसा कि आपने सुना, इससे बड़ी मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद एक निःशब्द हूं कि जो भरतराज शर्मा जी ने जो बहुत बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि मेरा वतन, मेरा सब कुछ यही मेरे माँ बाप है, अगर मैं जिंदा हूं तो केवल इन माँ बाप के लिए जिंदा हूं, और इनको यही दरकार है। जैसा कि ये मल्टी टैलेंट पर्सनैलिटी है, इनको कॉमेडी आता है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, डबल मास्टर डिग्री किया हुआ है, ये काफ़ी सुमधुर एक शोर के धनी है, इनके शोर में साक्षात सरस्वती माँ निवास करती हैं, जो आपने मेरे पहले की वीडियो में आपने भजन का कुछ अंश आपने सुना होगा। तो आप लोगों से ये अपेक्षा रखते हैं कि, और इनने बहुत बड़ी बात और कही कि ये किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते, सिर्फ हाथ फैला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो सिर्फ इसके लिए जोड़ रहे हैं ताकि इनका मुकाम मिल सके,
इनको जहाँ पे जिस जगह में होना चाहिए उस पोजीशन में इनको मुकाम मिले, इनको कोई अच्छा नौकरी मिले, नहीं तो कोई कॉमेडी ड्रामा और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उन तक ये बात पहुँचे और वो लोग इनको अपने इंडस्ट्री में जगा दें ताकि ये अपनी पहचान बना सके और उस पहचान के द्वारा अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। और ये इतने सभ्य और सुलझे हुए इंसान है भरतराज शर्मा जी, तो इनके कोई भी बातों के सामने मैं सच में कहूँ तो मैं निःशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इनकी जितने भी तारीफ करूँ वो बहुत कम है। ये बहुत एक मैच्योर पर्सनैलिटी है और साथ ही ये इतने आध्यात्मिक भी है। इस छोटा सा घर में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इन्होंने माता रानी का एक मंदिर बना के रखा है, अविरल यहाँ पे जोत जला के रखते हैं और इन्हीं माता रानी के सामने, इन्हीं माता रानी के नाम से ये अपना चौकिया चलाते हैं। माता रानी का जो है छोटी मोटी भजन कीर्तन करके अपने परिवार का किसी तरह गुजर बसर करते हैं और यही माता रानी के सामने सारा चीज़ सरेंडर कर देते हैं। ऐसी माता बोलते हैं, ऐसी इन्हीं माता रानी के आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ और माँ बाप के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ तो केवल इन माँ बाप के लिए। और ये मैं माता रानी से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, ये माता रानी इनके भरतराज शर्मा जी, इनको इनके मुकाम मिले, इनके सारे मनोकामना पूर्ण हो। साथ ही और आप सभी लोग जो बड़े उद्योगपति, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फिल्मी सितारे, आप लोगों तक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप दिल खोल के सहयोग करें और इनको इनके मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग करें। वैसे तो अगर इनकी और कई सारी और मुश्किलें और हालात हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये काफ़ी दूर दराज का गांव है जो अभी भी 21वीं सदी में, जबकि पूरा विश्व में जहां मोनोरेल और हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, तो आज भी इनको घर तक पहुंचने के लिए पैदल चलने को मजबूर है। लगभग 40 मिनट से एक घंटा इनको पैदल चलना पड़ता है मुख्य सड़क से। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे परिवार, इनके हालात कैसे हो सकते, किन हालातों में ये जी रहे हैं, अपना जीवन जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इसमें आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, अगर बनाया जाए तो ऐसे कई सारे वीडियोस बनेंगे और कई सारी दिन लग जाएंगे। और इसी तरह मैं इनको फिर जैसा कि मैंने कहा कि मैं इनके परिवार के साथ पर्सनली अटैच हो चुका हूँ दिल से, तो मैं इनका पल पल में, समय समय पर जब इनको मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा या जो भी होगा उसका मैं लाइव अपडेट या वीडियो के द्वारा अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। और अभी आप देख रहे हैं, अभी इन्होंने बहुत चीज़ बता दिया और इनकी बहन जो इन्होंने 10वीं का पढ़ाई आगे छोड़ दिया उसके रीजन बता दिया और आज वो शादी करने लायक है और शादी भी करना होगा। तो कल किस तरह से करेंगे, आप समझ सकते हैं, कई सारी कहानियां, कई सारी वेदनाएं हैं जिसको आपके सामने एक्सप्रेस कर पाना अभी संभव नहीं है। और मैं अभी देखाऊंगा, आपको खुद ही देख के लगेगा कि कहाँ कैसे जगह में रहते हैं और यहाँ पे इनको कैसे जीविकोपार्जन करने के लिए कितना मुश्किल है। आप देखिए, ये कौरी का गांव है और कौरी तो शायद पूरा भारत में नहीं, पूरा विश्व में एक पहचाना हुआ गांव बन चुका है, जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा पुल, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है, ब्रिज का भी आपको नज़ारा दिख रहा है। और इसी ब्रिज के इस पार में कौरी गांव पड़ता है। कौरी से लगभग अगर पैदल चले तो एक घंटा और ऊपर का आपको ये अप्रोच प्रोजेक्ट रोड दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट रोड से इनके घर तक आने के लिए 40 मिनट पैदल चलना पड़ता है और आज नरेगा के तहत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो सकता है कई बार यहाँ पर राशियों का भी अलॉटमेंट हो चुका है, परंतु हालात ये है कि आज तक इस गांव तक, इस घर तक पहुंचने के लिए कोई रोड नहीं बन पाया है। तो मैं गवर्नमेंट मुलाजिम से और यहाँ के पंच सरपंचों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि ज़रूर एक इंसानियत के नाते, एक यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते इस बात को आप गौर से देखें और जितना जल्दी हो सके यहाँ तक ऐसे परिवार, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आप सहयोग करें। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और साथ ही और जो भारत सरकार के द्वारा जो सुविधा दिया जा रहा है, उस सुविधा को जिसके असली हकदार है लोग, यहाँ के लोग, यहाँ के नहीं, ऐसे कई सारे जरूरतमंद लोग हैं, उनको उनकी सुविधा मिल पाए। यह है हुकुमचंद जी का घर, आप देख रहे हैं ये ऊंची पहाड़ी और पूरे जंगल का रास्ता और दूर दराज में ऐसे अकेले घर और ऊपर से अगर पैरालिसिस का अटैक हो तो कैसे ये लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, कितना मुश्किल हालात होगा।
इसका लाइव एग्जांपल लाइव वीडियो आप देख पा रहे हैं। और ये पहाड़ों का ट्रैक फार्मिंग, मैंने कहा था कि इनका कमाई का कोई जरिया नहीं है, ये इनके खेत है पूरी तरह सूखा पड़ा हुआ है। जैसे बारिश होगा तो थोड़ा बहुत कुछ कनक हो सकता है, इस साल तो बारिश नहीं होने के कारण कनक भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह सूखा गांव है। और इनको पानी लाने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है, पहले पीने का पानी का भी समस्या है। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कई सारे गाँव आज जोड़े गए हैं, छोटे छोटे गाँव सड़क मार्ग के द्वारा, परंतु इनके हालात ज्यों के त्यों हैं। आज तक राशि अलॉटमेंट होने के बाद भी मुख्य सड़क से इनके गांव तो इस घर तक जोड़ा नहीं गया है, इससे दयनीय स्थिति क्या हो सकता है। शायद इस वीडियो को यहां के मुलाजिम और यहां के पंच और सरपंच भी देख रहे होंगे, तो उनकी आंखें ज़रूर खुलना चाहिए। और भारत सरकार और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसर्न जो अथॉरिटी है, उन अथॉरिटी जब ये वीडियो को देखेंगे तो इस बात को जरूर गौर से और प्रायोरिटी बेसिस में इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इस परिवार को जरूर सहयोग मिलना चाहिए। मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ।